हमारी एग्जाम थे दिसंबर 2020 को RSMS से दोबारा आयोजित कराई गई थी और उसका पेपर डेढ़ घंटा पहले ही व्हाट्सएप पर वायरल हो गया था, लेकिन फिर भी बोर्ड वालों ने मानने से मना कर दिया। हम उन्होंने बोला हम बोर्ड में जाकर आए कि SOG जांच कर रही है, लेकिन उन्हें कोई टाइम नहीं दिया। SOG जांच कब तक पूरी करेगी? और उन्होंने अभी हमसे कुछ बोला नहीं, एग्जाम रद्द होगी नहीं होगी। सब छात्र चाहते हैं एग्जाम रद्द हो, पेपर पूर्ण तो लीक हो चुका है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। SOG को कोई पता नहीं है जांच कब तक करेगी या नहीं करेगी। हमको कोई संतोष जवाब नहीं मिला। हम चाहते हैं ये एग्जाम कैंसिल हो जिससे मेहनत करने वाले छात्रों को मौका मिल सके और एक फेयर एग्जाम हो सके। ये हमारी मांग है, ये एग्जाम निरस्त होनी चाहिए। इसका पेपर पूर्ण लीक है और ये कुछ एविडेंस है हमारे पास। पेपर लीक के जो 9-13 पे राहुल हुड्डा उसके पास पेपर आ गया था और एक मेल है जिसमें 8-33 पे सुभाष चौधरी का पेपर आ गया था। सब ये पहली फोटो में जब पेपर अनसोल्ड है, दूसरी फोटो में पेपर सोल्ड है, लेकिन SOG को ये प्रूफ मिलने के बावजूद भी उन्होंने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। क्षेत्र को लेकर हम 2 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार, बोर्ड भी जाकर आए, बोर्ड वालों ने भी ये बोल दिया है कि जांच करेगी तभी जाके कुछ होगा, लेकिन SOG का कोई पता नहीं है वो जांच कर रही है नहीं कर रही। हमको अभी तक कोई संतोष जवाब नहीं मिला है। हमको 3 दिन हो गए हम दर भटक रहे हैं, लेकिन हमको कोई जवाब नहीं मिला। ये एग्जाम सर कैंसिल होनी चाहिए जिससे मेहनत करने वाले छात्रों को मौका मिल सके। हम इसी उम्मीद से आपके साथ में आए कि ये एग्जाम कैंसिल हो जिससे मेहनत करने वाले छात्रों को मौका मिल सके। अब आप हमारे 20-20 लाख